हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वारवल कंपीटेटिव एग्जाम। शुरू करने तो पहला जो भी मेरे चैनल ते न्यू स्टूडेंट हैं, प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब कर लैन ते नाल ही बैल आइकन भी जरूर दबा लैन ता जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सब तो पहला आप नूं मिल सके। मैं संदीप वारवल आप लई न्यू टॉपिक लैके आया जिस विच ZPD दी जोन ऑफ प्रोक्सीमल डिवेलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग बारे डिस्कस करांगे। शुरू करते हाँ, ZPD जोन ऑफ प्रोक्सीमल डिवेलपमेंट एक कंसैप्ट सोवियत साइकोलॉजिस्ट लेव वैगोस्की द्वारा दिता गया, जो एक समाजिक सृजनात्मकवाद सन। उसका कहना सी कि बच्चे का पूर्ण विकास या पूर्ण बौद्धिक विकास है वह समाजिक विच अंतर क्रिया करके या समाजिक इंटरैक्शन द्वारा ही डिवेलप हुंदा है। यह कंसैप्ट लेव वैगोस्की द्वारा दिता गया, ZPD जोन ऑफ प्रोक्सीमल डिवेलपमेंट। नैक्सट, ZPD नूं डिफाइंड किवें किया जाता है। ZPD द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डिवेलपमेंट लैवल एज द डिटरमिन बाय इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द लैवल ऑफ पोटेंशियल डिवेलपमेंट एज डिटरमाइंड थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर अडल्ट गाइडेंस और इन कलैबोरेशन विद द मोर कैपेबल पीयर्स। इस हुंदा है जो कोई भी बच्चा हुंदा है वो अपने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप में अपने आप कोई कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लैंदा है, तो कुछ प्रॉब्लम जी होंदियां ने वो जे अडल्ट बालक की गाइडेंस द्वारा तो उन्होंने सहायता द्वारा तो कैपेबल के होंगे ने पीयर्स ना जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्होंने पीयर्स बोले पीयर स्टूडेंट उन्होंने सहायता नाल प्राप्त करता है। इस अवस्था में की होंगे भी कुछ तो कार्ज होंगे कि बच्चा अपने बालक स्वतंत्र रूप में पूरे कर लैंदा, प्रॉब्लम सॉल्व कर लैंदा है, तो कोई समस्या आदि ने उन्होंने गाइडिंग की लोड़ पैंदी जी माहर द्वारा गाइडेंस दी जाती है या माहर व्यक्ति द्वारा या उसके सीनियर हो जाए जो पीयर स्टूडेंट हो गया उसकी गाइडिंग के थ्रू ही वो कि समस्या सॉल्व करता है। इस तरह की है ZPD जोन ऑफ प्रोक्सीमल डिवेलपमेंट, ये सी ZPD। इस तरह ये सारा कंसैप्ट लेव गोस्की द्वारा दिता गया कि इस तरह एक बालक किसी भी सहायता ना गाइडेंस द्वारा प्रॉब्लम नू सॉल्व करता है, उसनू मार्गदर्शन की गाइडेंस की लोड़ पैंदी है, उसके थ्रू ही समस्या नू या कोई भी प्रॉब्लम उसनू सॉल्व करता है। नैक्सट, ZPD नू एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हाँ। वट इज़ नोन, की वो जानता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनू की कुछ जानता है उसनों सॉल्व करना, वट इज़ नॉट नोन जो नहीं जानता वो क्या करता है उस कोई भी नॉलेजेबल परसन या पीयर द्वारा या टीचर द्वारा उसकी गाइडेंस द्वारा ही वो उस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंदा या कोई भी वर्क हुंदा है उसनों डन कर लेंदा है। ये इस तरह ZPD का कंसैप्ट चलता है। पहली अवस्था में जिहड़ा हुंदा है बच्चा हुंदा है बालक हुंदा अपने आप सॉल्व कर लेंदा है, जो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाउंदा तो मार की सहायता नाल उसनों पूरा कर लैंदा है। इस तरह ZPD का कंसैप्ट खत्म हुंदा है जो ले वैगोस्की द्वारा दिता गया है। नैक्सट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग विच की हुंदा है, ये मार जां अध्यापक जां मां प्यो द्वारा दिती जांदी एक सहायता है, जो एक बालक नूं एक मार द्वारा उसके टीचर द्वारा जां उसके माता पिता द्वारा जो उसनों किसी भी काम करने सहायता दी जाती है। पहला उसनों पूरी सहायता दी जाती है, हौली हौली किसी भी कार्य करने हौली सहायता ढा लिया जाता है। पहले कोई भी सिखार्थी होता है उन्होंने स्वतंत्र रूप में कार्य करने दे दिया जाता है, पहले उसनों सहायता दी जाती पूरी सहायता दी जाती इस तरह कार्य करना कोई भी काम करना हौली हौली करता है, टीचर द्वारा स्टूडेंट तो वह सहायता ढा ली जाती है। तो एक ਕਿਹੜਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ
ਕਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੁਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਛੋਟੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਢਾਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ZPD ਅਤੇ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।